केंद्रीय बजट 2023 पर कांग्रेस और भाजपा नेता आमने सामने आ गए हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साजा से पूर्व विधायक लाभचंद बफाना ने बजट की तारीफ की और इस बजट को देश के विकास का आम बजट बताया, तो वहीं दूसरी तरफ साजा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्ण कुमारी राठी ने केंद्रीय बजट को देश के लिए निराशाजनक बताया और कहा कि यह बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। अब जनता को तय करना है कि बजट 2023 जिसके लिए कितना लाभकारी होने वाला है। चमत्कारी बजट है, क्रांतिकारी बजट है, अकल्पनीय बजट है। हिंदुस्तान के हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस बजट से आएगा। हमारे देश में ही अनेकों ऐसे पर्यटक स्थल है, ऐसे 50 पर्यटक स्थल को चिन्हित किया गया है, जहां पर हिंदुस्तान के भारतीयों को कहा गया है कि आप विदेश मत जाओ, यहाँ जाओ, इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया है, निश्चित रूप से वह निराशाजनक बजट है। समावेशी बजट नहीं कहा जा सकता इस बजट को। इसमें किसानों का, युवाओं का कहीं पे कोई समावेश नहीं है, ध्यान नहीं रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 के आसपास, मतलब किसानों का आय दुगुना करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, परंतु किसानों का आय दुगुना हुआ नहीं और किसानों का इस बजट में कहीं पे ध्यान नहीं रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस निराशाजनक बजट को यदि समावेशी बजट कह रहे हैं, बहुत अच्छी बजट कह रहे हैं, तो ये अपनी ढपली अपनी राग वाली बात है। और भाजपा के लोग तो इस बात को कहेंगे ही।